Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching part 6. We are discussing method of transformation. Transformation में हम पिछली क्लास में शुरू किया था और transformation में कुछ बातें बताई गई थी, आज कुछ और सीखते हैं. ये transformation, method of transformation का आज एक टाइप की बात करते हैं और ये टाइप है टाइप फोर. इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन अगर ऐसा हो, साइन का पावर एम एक्स कॉस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, कई बार इंटीग्रेशन इस फॉर्म का होता है, तो ये कंडीशन होना चाहिए. क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इस फंक्शन में एम और एन के लिए अगर हम ये समझें कि ये केस फर्स्ट हो सकता है कि एम इवन हो और एन ऑड, राइट, और ये चौथा, ये चार केसेज बन सकते हैं. आप इन चार केसेज की बात करें कि ये जो चार केसेज बनेंगे इनमें क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, राइट, ये क्या सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए इन चार केसेज में, ये हम सीखते हैं. तो जब एम इवन हो और एन ऑड हो, यहां ध्यान से देखें, ये हम कहें कि ये है इवन, इवन और ये है ऑड, तो जो इवन फंक्शन है उसको टी पुट कर लेना चाहिए, यानी साइन एक्स को हम पुट कर लेंगे टी. जब ये ऑड हो और ये इवन तो कॉस एक्स को पुट कर लेना चाहिए टी, और जब दोनों ही ऑड हो तब क्या करना चाहिए, तो जिसका पावर ज्यादा हो इधर, इधर कैन बी पुट इधर साइन एक्स इज इक्वल टू टी और cos x is equal to t. Either of them can be put as t. Either sin x is equal to t or cos x is equal to t. But जिसका पावर ज्यादा हो उसको पुट करना चाहिए. और अगर दोनों ही इवन हो तो क्या करना चाहिए? तो सब्स्टिट्यूशन करने चाहिए. Sin x के बदले, sin square x के बदले क्या पुट करोगे? Then दोनों ही हो तो एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन पुट करनी चाहिए, जिस सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर ऐसा हो तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 cos 2x/2 पुट करना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 cos 2x/2 पुट करना चाहिए. और इसमें जब दोनों के पावर हो ये ऑड तो क्या करना चाहिए? वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, बट पुट द फंक्शन हुज पावर इज हाईएस्ट, फंक्शन इज इक्वल टू टी हुज पावर इज हाईएस्ट, पावर इज हाईएस्ट, अगर दोनों में जिसका पावर ज्यादा हो उसको टी पुट कर लेना चाहिए. कैसे? अभी हम बात करते हैं, राइट. तो इन सबको समझना होगा और इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे करना है. यानी मोटे तौर पे क्या याद रखना है कि जिसका पावर ऑड हो, जिसका पावर इवन हो उसको टी पुट करना चाहिए. अगर एम यहाँ पे इवन है तो साइन एक्स को टी पुट करें, अगर ये इवन है तो कॉस एक्स को टी पुट करें, है ना. अगर दोनों ऑड है तो जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसको टी पुट कर लेते हैं, और अगर दोनों ही इवन है तो फिर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हमने पहली क्लास में सीखा था, ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर पावर इवन है तो क्या करना है दोनों के, और पावर ऑड है तो क्या करना है. इस टाइप का, टाइप का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है. आप करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करेंगे, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, और पहला क्वेश्चन ऐसा है कि I इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 4x एंड cos x dx, ऐसा कुछ लिखा है. अब देखिए यहाँ पे cos का पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और साइन का पावर इवन है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, साइन x को टी पुट करना चाहिए. साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी. तो ये जो पूरा कॉस एक्स डी एक्स है इसके बदले आप लिख सकते हो डी टी,
और ये साइन को टी पुट किया है, तो साइन का पावर 4 के बदले क्या लिख देंगे, टी का पावर 4। टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर 5 बाई 5 प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि ये जो हो गया वो क्या हो गया, टी किसको माना था आपने, साइन को, तो साइन का पावर 5x बाई 5 प्लस सी। इसी बात को अगर हम ट्रिक कहें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिमाग में रखें, तो ट्रिक ये हो सकता है कि आपको एंटी डेरिवेटिव जैसा मैंने कहा करने के लिए, ये देखिए साइन का पावर 4x है और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है ना, साइन एक्स है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये टी का पावर 4 डी टी है, टी का पावर 5/5 यानी साइन का पावर 5x/5 प्लस सी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में है, ये ऑप्शन में होगा, यानी आपको बीच में सिर्फ अपने दिमाग लगाना होगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आप बड़े ही आसानी से। दूसरा क्वेश्चन अगर ये कहूं कि ऐसा क्वेश्चन हो कि कॉस का पावर 5x, कॉस का पावर 6x, साइन एक्स डी एक्स, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि वही चीज है, क्या है, अगर इसी पैटर्न से करूं या इस सब्स्टिट्यूशन से करूं तो ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस का, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए हमने बाहर में माइनस लिख दिया कॉस 6x, और ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये टी का पावर 6 डी टी टाइप हो गया, यानी कॉस का पावर 7x/7 प्लस सी आंसर हो गया। क्वेश्चन को और ज्यादा इसमें खींचतान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया है, फाइनली ये है कि ये हो गया डी टी, ये है नथिंग एल्स बट डी टी, और ये है टी का पावर 6। अगर ये टी का पावर 6 है तो ये डी टी है, इसको अगर हमने टी पुट किया होता तो ये डी टी होता। टी का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 7/7 यानी कॉस का पावर 7/7x। तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लें साइन का पावर 5x एंड कॉस का पावर 4x। अब यहाँ पे एक इवन है एक ऑड है, तो क्या करोगे, आपको इवन फंक्शन को टी पुट करना था, मतलब क्या पुट करना था, कॉस एक्स को टी। अल्दव ये बड़ा है, लेकिन बड़ा वाला थ्योरी सिर्फ ऑड फंक्शन में लगाएंगे, जब दोनों ही इवन हो या दोनों में से एक ऑड हो तब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स को टी पुट कर लिया हमने, कॉस एक्स को टी। अब क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यानी साइन एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, माइनस इधर आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को आपको लिखना चाहिए, चूंकि कॉस एक्स को टी पुट किया है आपने, तो ये साइन एक्स का जो फंक्शन है उसको आपको कॉस में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो साइन एक्स के फंक्शन को कॉस में बदलने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos² x। लेकिन यहाँ पे तो देखना ये होगा कि यहाँ तो साइन का पावर 5 है, तो 5 को कैसे बदलोगे, तो 5 को बदलने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक बात है, 5 रह नहीं जाएगा, 5 में से एक साइन तो यहाँ इस dx के साथ चला जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन 4x बचेगा, यानी ये हो गया cos 4x, साइन 4x और एक साइन एक्स डी एक्स बच गया, साइन 5 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। इस साइन 5x साइन एक्स डी एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। इस साइन 4x को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम ये लिख देंगे कॉस का पावर 4x, और साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - cos² x का होल स्क्वायर, 1 - cos² x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 - cos² x क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 4x, तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब हम कॉस एक्स की जगह पर टी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का पावर 4 इंटू 1 - t² का होल स्क्वायर, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, यानी माइनस बाहर आ जाए तो ये हो जाएगा डी 4 इंटू 1 - 2t² प्लस टी का पावर 4 इंटू डी टी। अब टी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस टी 4
माइनस टू टी का पावर सिक्स प्लस टी का पावर एट डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा अब इसका इंटीग्रेशन, टी का पावर फाइव, टी टू दी पावर फाइव बाई फाइव है ना, फोर का फाइव, टू टी का पावर सेवन बाई सेवन प्लस टी का पावर नाइन बाई नाइन प्लस सी आ गया। अब इसमें ये वैल्यू रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ के बाद, इधर लिख देता हूं इस वैल्यू को लिखने के लिए, आंसर आ जाएगा हमारा ऐसा, ये आ जाएगा, क्या आएगा, टी क्या है, टी है हमारा कॉस एक्स, यानी आंसर आ जाएगा कॉस टू दी पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस टू बाई सेवन कॉस टू दी पावर सेवन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर नाइन एक्स बाई नाइन प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर हमारे पास ये फंक्शन हो एक ऑड और एक इवन। यहां पर भी तीन टर्म में आंसर आएंगे, आप अगर बुद्धिमानी लगाएं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन को आप देखिए कि 5 प्लस 4 9 एक बार आएगा, फिर 2 का डिफरेंस आएगा, फिर 2 का डिफरेंस आएगा, यानी फंक्शन को सिर्फ पिकअप पॉलिसी के आधार पे आंसर लिख सकते हैं। एक बार पावर 9 आएगा, कॉस को पुट करना, ये बात तो आपको समझ में आ गया, तो कॉस में ही आंसर आएगा है ना, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किसकी की है, कॉस की, तो आंसर आएगा कॉस में। एक बार 5 प्लस 4 9 आएगा, फिर दो दो का डिफरेंस आएगा 9, फिर 7, फिर 5, तीन टर्म आएंगे, जिसमें पावर 7 आएगा उसमें 7 से डिवाइड होगा, जिसमें पावर 5 होगा उसमें 5 से डिवाइड होगा, जिसमें 9 होगा 9 से डिवाइड होगा, और बीच वाले का कोफिशियंट 2 होगा बस। अच्छा, चूंकि कॉस का पुट कर रहे हैं तो माइनस एक बाहर साइन आएगा, अगर साइन का पुट किया होता तो माइनस साइन बाहर नहीं आता। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये क्वेश्चन है और आपको करना है, ध्यान से देखिए कि कॉस का पावर 7x और साइन का पावर 5x dx, राइट, कॉस का पावर 7x साइन का पावर 5x dx ऐसा कुछ, या अभी पिछले क्वेश्चंस को थोड़ा हम रिपीट करें तो यहाँ साइन का पावर 5 था, अब हम कॉस का पावर 5 ले लेते हैं और साइन का पावर इवन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कॉस का पावर 5 और साइन का पावर इवन, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, कॉस का पावर 5x और साइन का पावर 6x, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे होगा, अब कोई सोचे कि भाई इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे 6 प्लस 5 11, आंसर किस में आएगा जी, साइन में, क्योंकि हम साइन का पावर इवन है, इवन वाले को टी पुट करते हैं तो आंसर आएगा साइन में, तो साइन का पावर क्या आ जाएगा 11x बाई 11 माइनस 2, फिर 2 कम, साइन का पावर 9x बाई 9, फिर प्लस 1 माइनस 2 और फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस डी स्क्वायर टाइप से, और यहाँ फिर 2 कम, तो क्या हो जाएगा साइन का पावर 7x बाई 7 प्लस सी, ये आंसर आ गया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ लिखे, आप क्वेश्चन को देखो और आंसर को लिखो, ये पॉलिसी के आधार पे आप ये क्वेश्चन में लिखा होगा और ये ऑप्शन में लिखा होगा, बीच में आपको सिर्फ दिमाग लगानी है, आप आंसर लिख पाएंगे। अगर इसको फिर से, मैं चूंकि समझता हूँ कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये सीधे सीधे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इनको एक बार फिर कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से बना देते हैं, कंसेप्चुअल अप्रोच के हिसाब से एक बार फिर करते हैं। तो वादे के मुताबिक क्या करना था हमें, कि जिसका पावर इवन था उसको टी पुट करना था, तो चलो पुट कर लेते हैं साइन एक्स को टी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, राइट, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो अब ये कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, यानी इस इंटीग्रेशन को हमें लिखना चाहिए साइन का पावर 6x कॉस का पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसा कि हमने पहले कहा है, इस कॉस एक्स डी एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं डी टी, तो इसके पूरे बदले डी टी लिख सकते हैं, तो इस कॉस को तो साइन में बदलना होगा ना, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे साइन का पावर 6x, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी पुट करूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स को टी पुट करें तो ये साइन 6x को टी का पावर 6 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स के बदले डी टी, क्लियर है। अब इसको लिख सकते हो टी का पावर 6 1, ये हो जाएगा टी का पावर 4 है ना ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर या माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी फोर हो गया, फिर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर टेन माइनस टू टी का पावर एट प्लस टी का पावर सिक्स डी टी। इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा क्या, टी का पावर इलेवन बाई इलेवन, है ना, ये आ जाएगा टी का पावर इलेवन बाई इलेवन माइनस टू टी का पावर नाइन बाई नाइन प्लस टी का पावर सिक्स का इंटीग्रेशन टी का पावर सेवन बाई सेवन प्लस सी। और ये टी की वैल्यू अगर रख देंगे तो यही आ जाएगा साइन का पावर इलेवन एक्स बाई इलेवन माइनस टू साइन का पावर नाइन एक्स बाई नाइन प्लस साइन का पावर सेवन एक्स बाई सेवन, राइट, प्लस सी। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप उसका आंसर इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। ये है ना बढ़िया तरीका, यस, होपफुली यू गॉट इट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये लिखा है कॉस टू द पावर फाइव एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा दोनों का पावर ऑड है, दोनों का पावर ऑड है तो आपको किसको पुट करना चाहिए, हाईएस्ट पावर वाले को टी पुट करना चाहिए, यानी कॉस एक्स को हम पुट कर लें टी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। जैसा कि हमेशा से हम करते हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस इधर लिखने के बजाय इधर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसको लिख देंगे क्या कॉस का पावर, अभी इसको ऐसे अरेंज कर लेता हूं बाद में लिख दूंगा, माइनस कॉस का पावर फाइव एक्स और साइन, एक साइन तो इसमें चला जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, इस साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना होगा, कॉस का पावर फाइव एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया ये साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, टी का पावर फाइव वन माइनस टी का पावर टू और साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी का पावर फाइव माइनस टी का पावर सेवन डी टी, यानी इसको आप लिख सकते हो टी का पावर सेवन माइनस टी का पावर फाइव डी टी, और ये हो गया टी का पावर एट बाई एट माइनस टी का पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। और टी क्या है, टी है हमारा कॉस, यानी कॉस का पावर एट एक्स बाई एट माइनस कॉस का पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस सी, यानी जब क्यूब पावर हो, एक पावर क्यूब हो तो आंसर दो टर्म में आएगा, जब पावर फाइव हो तो आंसर तीन टर्म में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपका शॉर्टकट ये है कि पहले दोनों को जोड़ दो और फिर दो का डिफरेंस लिख दो। यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बोलूं और इस तरह का कोई और क्वेश्चन हो तो हमें क्या लिखना होगा, जैसे इंटीग्रेशन ये हो कि cos 5 plus 3 8x cos to the power 8x by 8, 8 power है तो 8, और फिर दो का डिफरेंस 6x by 6 plus c आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते ही आंसर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई और क्वेश्चन पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर क्वेश्चन ऐसा दे दूं, यहाँ पे अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं कि इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो, ये जैसे क्वेश्चन है कि cos to the power 7x, cos to the power 7x and sin to the power 3x, ऐसा कुछ हो, sin to the power 3x dx, इसमें भी था यही cos to the power 5x sin to the power 3x, तो यहाँ पे भी cos to the power 7x sin to the power 3x हो तो इसका आंसर आप उसी तरह से लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे हमने किया था दोनों को प्लस किया था 5 प्लस 3 8 आया था, वैसे ही यहाँ पे भी 7 प्लस 3 8 10 हो जाएगा, cos to the power 10x by 10 minus cos 8 to the power 8x by 8 plus c हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए, यानी cos के बजाय sin वाले का पावर मैक्सिमम हो तो क्या लिख देंगे, sin का पावर मान लीजिए कि है 11x और cos का पावर 3x, ऐसा कुछ, तो आप क्या लिखोगे, तब आंसर आएगा sin में, ठीक है, क्योंकि आप sin को सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन माइनस sin से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, sin का पावर 14x by 14 माइनस sin का पावर 12x by 12 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, विश्वास नहीं होता, कितना आसान भी हो सकता है। चलिए कंसेप्ट से करके दिखाता हूँ, फिर से कंसेप्ट बिल्डिंग में इसको फिर से करके दिखाते हैं। हाँ, क्या पुट करना चाहिए हमें यहाँ पे, बड़ा पावर यहाँ पे साइन का है तो हमें साइन एक्स टी पुट करना चाहिए। तो साइन एक्स को टी पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है साइन का पावर 11x और कॉस का पावर 3x, उसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिख दिया हमने। अब ये हो गया क्या, तो साइन को हमने पुट किया है टी, तो टी का पावर 11, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी टी हो गया। इसका मतलब हो गया टी का पावर 11 और साइन एक्स, टी का पावर 11 माइनस टी का पावर 13 हो गया डी टी। अब ये हो गया, इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, टी का पावर 12/12 माइनस टी का पावर 14/14 प्लस सी। अब ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा, साइन टी किसको पुट किया है, साइन को, तो साइन का पावर 12x/12 माइनस साइन का पावर 14x/14 प्लस सी। आंसर आ गया क्या, यही आंसर है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव रह जाएगा जो सेम है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेटिव तरीका कम से कम जरूर है, और यही शॉर्टकट आप अगर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत सुंदर हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी झमेले के। तो बहुत सुंदर तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है कि साइन टू दी पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दोनों ही इवन है, और जैसा मैंने कहा था कि अगर दोनों इवन हो तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों इवन हो तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखना चाहिए, और साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। लेकिन यहाँ तो साइन 4 है, तो साइन 4 अगर है तो हमें क्या करेंगे, हम इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रीअरेंज करने के बाद इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब डीएक्स इससे क्या मिलेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 1 बाई 8 बाहर आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x इंटू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 2x, है ना, इस तरह का हो गया, और ये dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 2x 1 से मल्टीप्लाई हो गया जी, तो 1 प्लस कॉस 2x हो गया, 1 प्लस कॉस 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कॉस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2x हो जाएगा, है ना, 2 कॉस 2x 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2 कॉस 2x, और माइनस 2 कॉस 2x इस कॉस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x और फिर कॉस क्यूब 2x dx। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर 2x यानी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और उस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस तो बाहर ही है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 यानी 1 प्लस कॉस 2x तो पहले ही से था कॉस स्क्वायर 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 4x बाई 2, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। एक बार ध्यान से समझिए, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x में से माइनस कॉस स्क्वायर 2x बच जाएगा, और जब कॉस स्क्वायर 2x होगा कॉस स्क्वायर x है तो यहाँ 2x हो रहा है, तो यहाँ जब 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, इसलिए 4x लिख दिया। फिर ये है कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला, पिछले दिन हमने सीखा था कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखते थे, 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x यानी ये हो जाएगा
cos 2x प्लस cos 3x यानी 6x डिवाइडेड बाई 4 और ये पूरे का साथ क्या हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम कांस्टेंट को सेग्रीगेट कर लेंगे। यहां से कांस्टेंट मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा -1/2 तो मिल जाएगा क्या 1/8 ये आ जाएगा 1/8 और 1/2। ध्यान से देखें ये 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ माइनस कॉस 2x माइनस 1/2 कॉस 4x माइनस कॉस 2x माइनस 1/4 कॉस ध्यान से देखिए 1/4 माइनस 1/4 कॉस 4x 1/4 कॉस 4x माइनस 1/4 कॉस 4x और यहां से एक टर्म और मिलेगा। ध्यान से देखिए यहां से ये 3/4 कॉस 2x मिलेगा ना 3/4 कॉस 2x 3/4 कॉस 2x प्लस 1/4 cos 6x 1/4 cos 6x आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बार बार लिख रहा हूं 1/4 cos 6x और dx। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है ध्यान से देखें ये हो गया 1/8 1/2 cos 2x यहां भी है cos 2x यहां पे भी है लेकिन ये -1 है ये प्लस 3/4 है तो क्या मिल जाएगा -1/4 cos 2x -1/4 cos 4x और यहाँ पे प्लस 1/4 cos 6x dx। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आसानी से क्या आंसर आ जाएगा 1/8 आंसर आ जाएगा 1/8 आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/8 और 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x 1/cos 2x का sin 2x/2 ये cos 4x का sin 4x/4 और ये cos 6x का sin 6x/6 इस तरह से प्लस c तो आंसर अब आपका आ जाएगा। ये सारा चीज मैं अगर यहां लिख दूं तो अब आंसर ये आ जाएगा कितना 1/ सब में देखिए 2 कॉमन कम से कम ले सकते हैं तो 1/16 x माइनस ये हो गया sin 2x/4 चाहे 1/4 sin 2x और यहां से मिल जाएगा 1/8 बिकॉज 4 जा 16 2 कॉमन ले चुके हैं sin 4x और यहां 1/12 sin 6x और प्लस c आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने सिर्फ कंसेप्ट बताने की कोशिश की ये क्वेश्चन कहीं आता नहीं है और लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें अलोन फंक्शन हो लाइक ये अगर क्वेश्चन हो जाए कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन नंबर ये हमने 7 किया था अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx इसको करना है तो इसको अकेले है फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही करना होगा कि आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ठीक है। और अब इस साइन स्क्वायर एक्स को पता है आपको क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx राइट। सो 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर व्हाट विल कम ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx यानी ये हो गया 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x को फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x/4 और dx यानी 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/4 राइट ना। तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/4 कॉस 4x ठीक है dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा क्या आएगा 5/4 x माइनस 2 साइन 2x/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा साइन 2x है ना और यहाँ पे साइन 4x/4 यानी साइन 4x/16 प्लस सी ये हो गया आंसर ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर
लिख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आंसर्स को लिखना है। तो आपको अगर इवन फंक्शन हो तो क्या करना चाहिए, ऑड फंक्शन हो तो क्या करना चाहिए, दोनों इवन हो तब क्या करना चाहिए, दोनों ऑड हो तब क्या करना चाहिए, यानी साइन कॉस से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होगी, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उन सब का सॉल्यूशन का एक तरीका आपने सीख लिया और उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आप पैटर्न याद रखेंगे तो निश्चित रूप से इसको देखते ही सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हमने पहले स्लाइड में बताया कि ये जो इवन ऑड ऑड इवन और ऑड ऑड, यही चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन चारों पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हर एक टाइप के एक एक एग्जाम्पल हमने बता दिए और कब सिचुएशन जैसी आएगी वैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या हो सकता है, शॉर्टकट क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्रिक हो सकता है। आपको बस दिमाग में लगाना है कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक बार 2x आएगा, फिर 2x का होल स्क्वायर होगा तो फिर उसको भी 4x में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक बार x का फंक्शन आएगा, एक बार 2x का आएगा और एक बार 4x का आएगा। ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो ये जो है x और साइन 2x और साइन 4x का फंक्शन जिस ऑप्शन में प्रॉपरली दिखाई देगा उसको आप टिक कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा वेरायटी, चूंकि चार ही ऑप्शन होता है तो बहुत ज्यादा वेरायटी बनाने की गुंजाइश नहीं बचती, या तो फंक्शन चेंज करते हैं या साइन चेंज करते हैं। तो साइन के बारे में आपको आइडिया लग गया है, फंक्शन के बारे में आइडिया लग गया है, तो बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ही आप आंसर लिख सकते हैं। देख करके थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस आप घर बैठे जरूर करेंगे और घर पे आप जा करके इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू गॉट इट राइट। सो इस तरीके से इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं और अगली बार मुलाकात होती है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मेल आईडी पे जरूर लिख सकते हैं, हमें जवाब देख करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी